गीता में आगे बढ़ते हैं, जहां युद्ध के शंखनाद शुरू हो रहे हैं। ये शंखनाद यूं ही नहीं है, बल्कि समझने जैसे हैं। दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों के महाप्रतापी पितामह भीष्म ने उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद के समान गरजकर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और बाजे एक साथ ही बजे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। यहाँ एक प्रश्न है कि भीष्म के गगनभेदी शंखनाद के प्रतिशब्द में कृष्ण शंखनाद करते हैं, तो क्या उनकी शंख ध्वनि एक्शन के बजाय रिएक्शन कही जा सकती है? जवाब है नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्स है, प्रतिसंवेदन है। शंखनाद केवल प्रत्युत्तर है, युद्ध का नहीं, लड़ने का नहीं। शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की। वो चुनौती जो भी लाए, वो चुनौती जो भी दिखाए, वो चुनौती जहां भी ले जाए, उसकी स्वीकृति है। इस स्वीकृति को थोड़ा समझना उपयोगी है। जीवन प्रतिपल चुनौती है, और जो उसे स्वीकार नहीं करता, वो जीते जी ही मर जाता है। बहुत लोग जीते जी ही मर जाते हैं। बर्नार्ड शॉ कहा करता था कि लोग मरते तो बहुत पहले हैं, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क हो जाता है। जिस क्षण से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना बंद कर देता है, उसी क्षण वो मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति। लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोधजन्य हो सकती है, और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है। और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्नता उत्फुल्लता से मुदिता पूर्ण हो सकती है, और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग्य है कि भीष्म ने जब शंख बजाया तो लिखा है कि प्रसन्नता से और वीरों को प्रसन्नचित करते हुए आह्लाद फैल गया, और शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई। वो एक स्वीकार है। जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध भी तो युद्ध भी स्वीकार है। जीवन जहां ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी तो वो भी स्वीकार है। यहां भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध के प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है, कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रतिसंवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए वे तैयार हैं। वैसे युद्ध की वृत्ति नहीं है। शंख पहले पांडव भी बजा सकते थे, लेकिन नहीं, युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का ये प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान देने जैसी है कि प्रत्युत्तर कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया होता तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा है। कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद हैं। वे योद्धा भी नहीं है, वे युद्ध करने भी नहीं आए हैं। लड़ने की कोई बात ही नहीं है। पांडवों की तरफ से जो सेनापति है, उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है
के शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया। ये इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं है। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार हैं। वे केवल परमात्मा के साधन पर होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये जो प्रत्युत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वो कृष्ण से दिलवाया गया है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता था। अगर भीम इसका उत्तर देता तो वो क्रोध में ही दिया गया होता। अगर कृष्ण की तरफ से ये उत्तर आया है तो ये बड़े आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध ही फलित हो तो हम परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ते हैं। गीता आगे कहती है, श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न तथा राजा विरट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जिससे मैं स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। मतलब अर्जुन, जिनके साथ युद्ध करना है उन्हें अच्छे से देखने की प्रार्थना कृष्ण से करता है। ये कथन अपने आप में अर्जुन की मनोदशा को व्यक्त कर रहा है। अर्जुन का ये कहना कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है उन्हें मैं देखूं, ऐसी जगह मुझे ले चलकर खड़ा कर दें, एक बात का सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं है। ऊपर से आई हुई मजबूरी है, भीतर से आई हुई वृत्ति नहीं है। युद्ध एक विवशता है, मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। इसलिए किससे लड़ना है इसे वो पूछ रहा है, उनको मैं देख लूं। कौन कौन लड़ने को आतुर होकर आ गए हैं, कौन कौन युद्ध के लिए तत्पर हैं, उन्हें मैं देख लूं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है उसे इसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर है या नहीं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है वो अंधा होता है, वो दुश्मन को देखता नहीं, वो दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है, वो दुश्मन को देखना नहीं चाहता। उसे तो जो दिखाई पड़ता है वो दुश्मन होता है, उसे दुश्मन को देखने की जरूरत नहीं, वो दुश्मन निर्मित करता है, वो दुश्मनी आरोपित करता है। जब युद्ध भीतर होता है तो बाहर दुश्मन पैदा हो जाता है। जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है, कौन लड़ने को उत्सुक है। तो अर्जुन कृष्ण को कहता है कि मुझे ऐसी जगह, ऐसे बिंदु पर खड़ा कर दें जहां से मैं उन्हें देख लूं, जो लड़ने के लिए आतुर यहां इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी बात, जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है, समस्त युद्धों का, कैसे भी हो, जीवन के भीतरी या बाहरी, शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है। और युद्ध में केवल वे ही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं। इसलिए आम तौर से जो युद्ध पिपासु है वो नहीं जीत पाता, क्योंकि वो युद्ध पिपासा के धुएं में इतना घिरा होता है कि शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लड़ने की आतुरता इतनी होती है कि किससे लड़ रहा है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, और जिससे हम लड़ रहे हैं उसे ना पहचानते हों
तो हार पहले से ही निश्चित है। इसलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए विजय के लिए, उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए। युद्ध के क्षण में जितना साक्षी भाव होना चाहिए उतना किसी और क्षण में नहीं चाहिए। अर्जुन ये कह रहा है कि अब मैं साक्षी होकर देख लूं कि कौन कौन लड़ने को तैयार है, उनका निरीक्षण कर लूं, उनको ऑब्जर्व कर लूं। ये थोड़ा विचारणीय है। जब आप क्रोध में होते हो तब ऑब्जर्वेशन कम से कम रह जाता है। जब आप क्रोध में होते हो तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है। लेकिन जब क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की जरूरत है। लेकिन बड़े मजे की बात है, अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो क्रोध खो जाएगा। ये अर्जुन क्रोध में नहीं है इसलिए निरीक्षण की बात कह पा रहा है। ये निरीक्षण की बात कीमती है, और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध में जाए, चाहे बाहर के शत्रुओं से और चाहे भीतर के शत्रुओं से, तो निरीक्षण पहला सूत्र है, राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। अगर भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना हो तो राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। ठीक से पहले देख लेना किससे लड़ना है। क्रोध से लड़ना है तो क्रोध को देख लेना, काम से लड़ना है तो काम को देख लेना, लोभ से लड़ना है तो लोभ को देख लेना। बाहर भी लड़ने जाएं तो पहले बहुत ठीक से देख लेना कि किससे लड़ने जा रहे हैं। इसलिए गीता अब शुरू होने के करीब आ रही है, उसका रंगमंच तैयार हो गया है। लेकिन इस सूत्र को देखकर लगता है कि अगर आगे की गीता का पता भी ना हो तो जो आदमी निरीक्षण को समझता है वो इतने सूत्र पर भी कह सकता है कि अर्जुन को लड़ना मुश्किल पड़ेगा, ये आदमी लड़ नहीं सकेगा, इसको लड़ने में कठिनाई आने ही वाली है। क्योंकि जो आदमी निरीक्षण को उत्सुक है वो आदमी लड़ने में मुश्किल पाएगा, वो जब देखेगा तो लड़ नहीं पाएगा। लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए, लड़ने के लिए जूझ जाना चाहिए, निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। गीता ना भी पता हो तो जो आदमी निरीक्षण के तत्व को समझेगा वो इसी सूत्र पर कह सकेगा कि ये आदमी भरोसे का नहीं है, ये आदमी युद्ध में काम नहीं पड़ेगा, ये आदमी युद्ध से हट सकता है। क्योंकि जब देखेगा तो सब व्यर्थ मालूम पड़ेगा, जो भी निरीक्षण करेगा तो सब इतना फ्यूटाइल, इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि वो कहेगा कि हट जाऊं। या तो युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो विचारहीन हैं, भीम की तरह, दुर्योधन की तरह, या युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो निर्विचार हैं, कृष्ण की तरह। ये तीन सीढ़ियां हैं। विचारहीनता विचार के पहले की अवस्था है। इस अवस्था में युद्ध बहुत आसान है, युद्ध के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी चित्त दशा में आदमी युद्ध में होता ही है। वो प्रेम भी करता है तो प्रेम उसका युद्ध ही सिद्ध होता है। वो मित्र भी बनाता है तो सिर्फ शत्रुता की एक सीढ़ी सिद्ध होती है। क्योंकि शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र तो बनाना जरूरी होता है, बिना मित्र बनाए शत्रु बनाना मुश्किल है। दूसरी सीढ़ी विचार की है। विचार सदा डावाडोल है, विचार सदा कंपित है। दूसरी सीढ़ी पर अर्जुन है। वो कहता है निरीक्षण कर लूं, देख लूं, समझ लूं, फिर युद्ध में उतरूं। कभी कोई दुनिया में देख समझकर भी युद्ध में उतरा है क्या? देख समझकर तो युद्ध से भागा जा सकता है, देख समझकर युद्ध में उतरा नहीं जा सकता। और तीसरी सीढ़ी पर कृष्ण है। वो निर्विचार की स्थिति है। वहां भी विचार नहीं है लेकिन वो विचारहीनता नहीं है। विचारहीनता और निर्विचार एक से मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनमें बुनियादी फर्क है। निर्विचार वो है जो विचार की व्यर्थता को जानकर उससे आगे निकल गया,
पार चला गया। एक छोटा बच्चा जैसा होता है और जब कोई संतत्व को उपलब्ध होता है तब फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चे और संतत्व में ऊपरी ही समानता होती है। संत की आंखें भी छोटे बच्चे की तरह भोली हो जाती हैं, लेकिन छोटे बच्चे में अभी सब दबा पड़ा है, अभी सब निकलेगा। इसलिए छोटा बच्चा तो एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, अभी फूटा नहीं है बस। उसकी निर्दोषता, उसकी इनोसेंस ऊपर ऊपर से है, भीतर तो सब तैयार है, बीज बन रहे हैं, फूट रहे हैं, अभी काम आएगा, क्रोध आएगा, शत्रुता आएगी, सब कुछ आएगा ही, अभी सबकी तैयारी चल रही है। छोटा बच्चा तो सिर्फ टाइम बॉम्ब है, अभी समय लगेगा और फूट पड़ेगा, लेकिन संत पार जा चुका है। वो सब जो भीतर बीज फूटने थे फूट गए और व्यर्थ हो गए और गिर गए, अब कुछ भी भीतर शेष नहीं बचा। अब आंखें फिर सरल हो गई हैं, अब फिर सब निर्दोष हो गया है। तो जो कठिनाई पूरी गीता में उपस्थित होगी वो यही होगी कि अर्जुन दो तरह से युद्ध में जा सकता है, या तो वो विचारहीन हो जाए, नीचे उतर आए, वहां खड़ा हो जाए जहां दुर्योधन और भीम खड़े हैं, तो वो युद्ध में जा सकता है, और या फिर वो वहां पहुंच जाए जहां कृष्ण खड़े हैं, निर्विचार हो जाए, तो फिर वो युद्ध में जा सकता है। लेकिन अगर अर्जुन अर्जुन ही रहे, मध्य में ही रहे, विचार में ही रहे, तो वो जंगल जा सकता है, युद्ध में नहीं। वो पलायन करेगा, वो भागेगा। ओशो गीता दर्शन जारी है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।